एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ओके दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप लोग ने जो अभी स्टेटस देखा स्टार्टिंग में, दोस्तों ये स्टेटस मतलब मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो जो रोपनी पे स्टेटस आया है। दोस्तों बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई रोपनी पे स्टेटस लेकर आओ, अभी तक एक भी वीडियो नहीं लाए हो मतलब अपने चैनल पर। दोस्तों आज मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैंने सोचा कुछ अलग करके आप लोगों को दिए जाए, सबसे अलग। दोस्तों मैंने बहुत सोच के आप लोगों के लिए बहुत अलग बनाया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही दोस्तों अभी जो जो भाई अभी चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर ले। दोस्तों यहाँ पे आपको हिंदी और भोजपुरी भी ट्यूटोरियल मिलता है, बहुत खतरनाक खतरनाक का डीजे स्टेटस। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। कि दोस्तों बहुत भाई लोग का कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि भाई रक्षाबंधन पर वीडियो लाओ और डीजे स्टेटस में, तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोग का रक्षाबंधन पर स्टेटस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों हम सोचेंगे मतलब बनाना सोच रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्दी बनाने के लेके आएंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों फटाफट से चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले बहुत आसान है, मतलब इस वीडियो बनाने के लिए आपको पड़ेगा अलाइट मोशन की जरूरत। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जाकर ले सकते हैं मोर वर्जन, जिसका न्यू वर्जन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने फोटोग्राफ यूज होते हैं आपको पता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये सारा रोपनी का फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से जाकर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम के, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो बनाने के लिए सॉन्ग बीट मार्क एंड सग इफेक्ट को जरूरत पड़ेगा, जो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार्क और सग इफेक्ट के नाम से मिलेगा, आपको दोनों को इम्पोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो अगर आपको इम्पोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉन्ग बीट मार्क प्लस सग इफेक्ट, हाउ टू डाउनलोड बीट मार्क प्लस सग इफेक्ट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अलाइट मोशन को ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अलाइट मोशन को ओपन करेंगे, फोर्टी टाइम क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सॉन्ग बीट मार्क सग इफेक्ट मिलेगा आपको दोनों इस तरह का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग सॉन्ग बीट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सॉन्ग बीट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं तो बहुत सारा लेयर आपको मिल जाएगा बनाया हुआ। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू लास्ट देखेंगे तब इस वीडियो को आप बना सकते हैं, नहीं तो अभी वीडियो की स्किप मत करेगा। ठीक है, तो नहीं तो आपको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो की स्किप बिल्कुल भी मत करेगा। सबसे पहले दोस्तों कैसे करना है, आपको सारा फोटो लगाना। ठीक है, प्लस में क्लिक करके मीडिया जाके ये सारा फोटो, पहले ही बताया कि सारा फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके बहुत आसानी से जाकर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फोटो लिया और यहाँ पर थ्री आइकन क्लिक किया ऊपर में, और यहाँ से फिल से एरिया जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आगे वाला थ्री आइकन में क्लिक करके बचे हुए भाग को इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो और दोस्तों यहाँ पर कैसे फोटो लगाना थोड़ा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं जैसे किया मतलब ये जो फोटो मैं एक फोटो लगा कर दिया हूँ आपको सब चीज़ रेडी करके, बस यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे और अगले बीट पर आके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे के स्क्रॉल करें तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे स्पीड वाला क्लिक करके इसे कट कर देंगे, फिर से आगे वाला थ्री क्लिक करके इसको पेस्ट लेयर कर देंगे, फिर आगे बचे हुए भाग को ऐसे मतलब इस प्रकार से कट करेंगे। ध्यान रखें कि इस स्पीड वाले से ही कट करना है, तब आपका इफेक्ट मतलब बैठेगा, तो इसी प्रकार से आपको कट कर लेना होगा। तो उसी प्रकार से मैं कट कर रहा हूँ, आपको भी कुछ इस प्रकार से देखिए ऊपर के स्क्रॉल करके आपको ये जहाँ तक लेयर जा रहा है मतलब यहाँ पर डबल बीट आ रहा है, बस यहाँ तक आपको ये काम करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ तक आप काम कर लीजिएगा ये वाला पेस्ट लेयर। ठीक है, तो उसके बाद आपको फिर आगे भी फोटो लगाना है तो यहाँ प्लस में क्लिक करके मीडियम जाके ये सारा फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पहले बता दिया हूँ। फिर हम क्लिक करके फिर हम फिल के एरिया क्लिक कर देंगे और आगे वाला तीर एकदम क्लिक करके बचे हुए भाग को इसे कट कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से आपको सारे बिट के हिसाब से फोटो लगा लेना है, बस यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ पे कौन से साइज में फोटो लगेगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से और बूझ जाएंगे। और यहाँ पे गोल सर्कल जो चल रहा है इसमें भी फोटो लगाना बताऊंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए फोटो लगा के आता हूँ, उसके बाद हम आपको आगे टोटल देंगे, उसके बाद आपको फुल टोटल देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से पहले ये सारा फोटो लगा के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ साइज कौन लगाना है और इसमें कैसे फोटो लगाना जो गोल सर्कल घूम रहा है। ठीक है, तो फटाफट से लगा के आता हूँ, उसके बाद आपको वीडियो में दोस्तों एकदम कंटिन्यू बने रहेगा। ठीक है, तो ओके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सारे बिट के हिसाब से कुछ इस प्रकार से फोटो भी यहाँ पर कर सकता हूँ, और यहाँ पर सब कर लिया हूँ, देख सकते हैं बिट के हिसाब से मैं फोटो भी लगा चुका हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों आपको भी लगाना था। दोस्तों अब देखिए क्या करना है, मेन टॉपिक यहाँ से बैक करेंगे, प्लस करेंगे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर 9.16 के रेशियो लेंगे, और कैरेट पॉइंट पर क्लिक करके प्लस करेंगे, क्लिक करके मीडियम जाके एक कोई भी अदरवाइज दूसरा कोई भी फोटो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, फुल फिल कर यहाँ पर 3 क्लिक करके इसको फिल कर एरिया क्लिक कर देंगे, अपना फोटो लगाना है गोल सर्कल में तो इसके ध्यान से लीजिए, शेयर कर क्लिक करके फ्रेम में PNG कर लेना होगा। ठीक है, तो
यहाँ पे जैसे एक्सपोर्टिंग हो रहा है यहाँ पर सेव कर लेना होगा, ठीक है, सेव करने में बैक कर देना होगा और इसको फिर से प्लस क्लिक करके 4.5 के रेशियो लेके करेक्ट फोटो पर क्लिक करके प्लस साइन क्लिक करके मीडिया पर जाके यहाँ पे आपको 10 से या 15 फोटो ले लीजिएगा। फोटो क्लिक करके 3M क्लिक करके फिर एरिया क्लिक करके शेयर गैम क्लिक करके फ्रेम एक्सचेंज कर लेना होगा। आपको 10 से 15 फोटो, ध्यान रहे आपको 10 से 15 फोटो इस साइज में आपको लेना है, तब आपका उसमें बहुत अच्छा तरह से बैठेगा, ठीक है। यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काम होने के बाद इस दोनों को डिलीट कर देंगे, ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सॉन्ग बीट मार्क में चले जाएंगे और सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद तो यहाँ पे आएंगे, इधर आएंगे और इधर आने के बाद उससे आप देख सकते हैं कि इस गोल सर्कल में हम लोग को पहले फोटो लगाना है, ठीक है। इसमें लगाने के लिए सबसे देखिए आपको बिना स्टेटस टैग दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, इस पर क्लिक कर रहे हैं। कलर फील्ड पर जाके आपको अभी 9.16 के रेशियो में जो अभी फोटो आपने लिया है उस फोटो को देखिए मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस साइन क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो इस फोटो में देखिए ऊपर में वो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोल सर्कल में घूमने लगेगा, आपको इसी प्रकार से लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, मतलब आप क्या करना है, इसमें फोटो लगाना है, चेंज करना है, अपना फोटो लगाना है ये वाला में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर क्लिक करना है, कलर स्क्रीन पर जाकर आपको 4.5 के रेशियो में बताया था आपको कितने 10-15 फोटो बताया था, ठीक है। तो आपको उसी साइज में 10-15 फोटो लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 4.5 के रेशियो में सारा फोटो है, ठीक है। यहाँ फोटो लिया और यहाँ पर थ्री प्लस का क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्लस का आइकन क्लिक करते ही देख सकते हैं कि ये मेरा फोटो चेंज हो सकता है, यहाँ पे चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, देख सकते हैं आपको। फिर से अगले फोटो पर क्लिक करके फिर से इसमें क्लिक करके कलर फील्ड पर जाके आपको इसी प्रकार से सारे फोटो को चेंज करना है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं किसी प्रकार से कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ प्रकार से सारे बिट के मतलब इधर जितने इधर जो आप अभी पेस्ट किए थे ना यहाँ तक लिया आपको यहाँ पर 7.08 तक, तो यहाँ तक आपको ये कलर मतलब कलर फील्ड पर जाके आपको बस इसको चेंज कर लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो मेन काम है, पहले आप क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये काम करने के बाद आपका करिएगा जो अभी आपने फोटो जो चेंज किया ना ये वाला, ठीक है, बिना स्टेटस के इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है, एकदम ऊपर के एकदम ऊपर कर देंगे, तब आपका वीडियो एकदम परफेक्टली बैठेगा, ठीक है। आप देखिए सबसे ऊपर कर देंगे ना तो ये नीचे चला जाएगा वो वाला फोटो, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए इससे की फेड लगाना तो वीडियो को लास्ट देगा, अब से की फेड का काम है हमारा, ठीक है। तो इधर का काम कंप्लीट, अब देखिए मेन टॉपिक है सैग इफेक्ट, सबसे पहले इसको हम लोग नीचे के यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है ये वाला, इसको भी हम लोग को ऊपर कर देना है इस फोटो को, ठीक है, इसको ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो इसको लगा देने के बाद यहाँ पे ये आया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बैक करके आप उससे में जाना है और जो फर्स्ट वाला फोटो दिख रहा है ये वाला फोटो क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद बैक करके आपको यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना होगा, सॉन्ग बीट मार्क जाकर ऊपर के स्क्रॉल करके आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, नीचे के फोटो पर आ रहा है फर्स्ट लाइव फोटो जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, फर्स्ट लाइव फोटो पर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लाइव फोटो पे, और फिर से वन लाइव इफेक्ट लगाने के लिए 8.2 सेकंड तक चले जाना है, ठीक है, मतलब 8.27 तक चले जाना है, यहाँ पे 8.27, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 8.27 जैसे ही आऊँगा यहाँ पर नेक्स्ट फोटो मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोटो को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेस्ट पे कर देंगे, ठीक है। पेस्ट पे करते ही आपका ये भी फोटो इसमें आ जाएगा, इस साइज में ऊपर के स्क्रॉल करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेयर बना हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कोई भी लेयर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है कि यहाँ पर लेयर नहीं है। मैं बताऊंगा अगर कोई भी लेयर हो रहा है तो यहाँ पर देखिए कैसे कर लाया है आपको बताऊंगा, पहले फर्स्ट लाइव इफेक्ट लगा लेंगे और यहाँ पर वन लाइव इफेक्ट और लगाने के लिए हमको 17 पॉइंट चले जाना है, ठीक है। 17.00 आपको चले जाना है, आप देख सकते हैं कि 17.00 यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर लेयर बना हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग फोटो का काम कर लेते हैं, जैसे कि फोटो क्लिक करें और इफेक्ट जगह 3M क्लिक पेस्ट पे करेंगे ना, पेस्ट पे करने के बाद ये जो फोटो आ रहा है ये वाला अभी अपने नीचे करना है, ठीक है। आपको नीचे करना है, इस लेयर के नीचे लगाना है, ठीक है। जो अपने बिना स्टेटस आपको दो लेयर नीचे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं नीचे करेंगे, जैसे कि मैं नीचे कर रहा हूँ, तो उस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगी सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दो लेयर आ रहा है ना, इसको हम लोग नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो लेयर नीचे लगाने के आपको यहाँ पे कलर ब्राउन भी यहाँ पे मिल सकता है, देख सकते हैं बहुत इजी मतलब अच्छा लगेगा। उसके बाद वन लाइफ इफेक्ट और एक जगह लगाना है 21.27, ठीक है, 21.27 आप देख सकते हैं कहाँ पर मेरा 21.27 है, 23 आ गया है, 21.27 ये रहा मेरा 21.27, यहाँ पे कहाँ गया यार 21.27 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर के सोल नीचे के सोल करेंगे और यहाँ पे जो फोटो आ रहा है फोटो पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद ऊपर के सोल कर देख सकते हैं कि कोई लेयर है कि नहीं, अगर लेयर होगा तो दोस्तों उस फोटो को नीचे लगा दीजिएगा लेयर के ऊपर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरे बात। अब देखिए वन लाइफ इफेक्ट एक जगह और शायद लगाना है, अब नहीं लगाना, ठीक है। जब मेरा 3 जगह लेयर लगाना था, वन लाइफ इफेक्ट का जो काम है कंप्लीट हो चुका है, अब बैक कर देंगे, दूसरा इफेक्ट लगाने के लिए फिर हम जाएंगे और दूसरा इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक करके सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना होगा और दूसरा बस एक जगह फोटो को लगने वाला है,
7.08, ठीक है 7.08 आपको जाना पड़ेगा 7.08। यहाँ पर देख सकते हैं कि 7.08 आएगा। यहाँ पर तीन लेयर बनाया, आप देख सकते हैं तीन लेयर बनाया, तो इसके लिए हमें पता है क्या करना है, फोटो लेकर के फिर यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना होगा। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ओसम लग रहा है। नीचे के स्क्रॉल करेंगे आपको एकदम वो लेयर के नीचे लगा देना, ध्यान रखें कि उसी लेयर के नीचे लगाना जो आपको तीन लेयर नीचे बना हुआ है, मतलब कोई भी अगर लेयर बना होगा ना बस आपको फोटो मतलब उसके नीचे लगा देना है, तब आपका इफेक्ट ये बैठेगा। आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से बैठ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ऑसम लग रहा है ये वाला इफेक्ट। और ये दूसरा इफेक्ट कम हो गया, तीसरा इफेक्ट लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1, 2 और 3 इफेक्ट यहाँ पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। फिर ये वाला इफेक्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क को चले जाएंगे। सॉन्ग बीट मार्क के जाने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करके और यहाँ पर आपको चले जाना होगा 10.16 तक। यहाँ पर 10.16 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 10.16 आपको यहाँ से देखिए इसको कहाँ तक लगाना है मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि फोटो आया मेरा यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे फोटो आया, फोटो कहाँ गया यार, फोटो आया, फोटो क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दोस्तों ये वाला इफेक्ट आपको क्या करना है, 10.27 से लेकर आपको 17.00 कर लेना, ठीक है 17.00 यहाँ तक कर लेना, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर काम कर लिए हैं, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा 17.00। उसके बाद जो नेक्स्ट फोटो हमारा 4 वाला इफेक्ट है, उसके लिए हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। आप इससे फिर जाएंगे और जो नेक्स्ट 4 वाला इफेक्ट यहाँ पे ये वाला आ रहा है, इस पर क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और बैक करके आपको सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है। और 4 वाला इफेक्ट को लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर के स्क्रॉल करके इधर आ जाना है। 4 वाला इफेक्ट को लगाने के लिए 18.20 सेकंड तक चले जाना है, 18.20, ठीक है 18.20 कहाँ गया मेरा, ये देख सकते हैं कि 18.20 आ चुका है। ये जितने जितने मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर को पहले फोटो दिखाता हूँ, ठीक है जिसमें आपको ये सारा फोटो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सारे फोटो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है 21.27 तक इसी वाला इफेक्ट को यहाँ तक 4 वाला इफेक्ट को जितने फोटो छोटे छोटे हैं बस इसको पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रकार से देख सकते हैं बहुत ही मतलब ओसम लग रहा है, देख सकते हैं इस वाला इफेक्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आप इस प्रकार से आपको कर लेना है, यहाँ तो जितने 21.27 तक, ठीक है आपको देख सकते हैं 18.20 से लेके 21.27 तक, ठीक है ये 4 वाला इफेक्ट जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में चले जाएंगे और दो फोटो जो यहाँ पर जो दो फोटो है इस फोटो में लास्ट में दो फोटो में यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबर क्या आता है 4 के बाद 5, ठीक है इससे इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो आपको नंबर आता है 5 वाला इफेक्ट को बस से यहाँ पे क्लिक करके इफेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ से बैक करके आपको सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना होगा। और सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद अब देखिए क्या करना है, ऊपर के स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ कि 5 वाला इफेक्ट बस दो फोटो में लगने वाला है, 22.27 तक चले जाना है, 22.27, ठीक है आप देख सकते हैं 22.27 में जा रहा हूँ। यहाँ पे 22.27 जैसे कि आऊँगा ना यहाँ पे देख सकते हैं 22.27 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है 22.27 आ रहा है। तो यहाँ पे दो फोटो जो नेक्स्ट फोटो दो फोटो मिलेगा ना यहाँ पे 22.27 के बाद दो फोटो यहाँ पे मिल रहा है, फोटो क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे फिर से अगले फोटो क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, दो फोटो में कर देना और इसके बाद बैक करके आप उससे भी मिनट चला जाना है। और जो लास्ट इफेक्ट है आपको इफेक्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेना है और बैक कर देना है और यहाँ पर सॉन्ग बीट मार्क में चले जाना है। और दोस्तों सॉन्ग बीट मार्क में जाने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करके आपको वहाँ पर चले जाना होगा जो अभी अपने दो फोटो को लगाने हैं 23.15, ठीक है 23.15, ठीक है ध्यान रखिए 23.15। और इफेक्ट को कैसे लगाना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 23.15 जैसे ही आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 23.15 जैसे आएंगे ये दो फोटो लगाने के बाद जो नेक्स्ट फोटो मिल गया यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ गया यार फोटो हुआ अभी नहीं मिलता है जल्दी से, यहाँ पर देख सकते हैं मैं फोटो जहाँ गया ये फोटो आ रहा है, फोटो करके फोटो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट पे करने के बाद इसको बैक करके आपको यहाँ पे अगले फोटो में क्लिक करके फोटो यहाँ पेस्ट करने के बाद ऊपर के स्क्रॉल करके इसको बंद कर दीजिए लास्ट वाला के। आपको इस प्रकार से दोस्तों एक में चालू कर देना है, एक में बंद कर देना है, आपको लास्ट तक कर देना है जितना फोटो वगैरह बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे बस सब चीज़ आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, उसके बाद अपना लोगो वो लगा लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर सर में क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।